हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ी, जो नॉर्मल कोई भी बड़े आसानी से बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी बेसन, उसमें नमक मिलाया है और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तब तक फेंटना है जब तक ये पानी में डालने में ऊपर ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने फेंट लिया, अब ये पानी में ऊपर आ गया है। सो अब मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। इससे पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, जिस पे बहुत ही मुलायम होती हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ। उसके बाद अगला स्टेप है कि दही को बेसन में घोलना है। तो पहले यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ निकल आएँ, उसके बाद फिर हम दही के साथ बेसन को घोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पकौड़ियाँ मेरी पक गई हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इनको किसी बर्तन में निकाल लूँगी अलग। उसके बाद एक अलग पैन में, अलग कढ़ाई में मैंने मेथी लिया है, हींग और खड़ी लाल मिर्च, बस इतना ही, और हल्दी 1 चम्मच। तो मैंने बगल साइड में दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करके उसका एक घोल बना लिया था। करीबन 2.5 चम्मच मैंने बेसन यूज किया था। 2 लोगों के हिसाब से आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसका घोल मैंने तैयार कर लिया, इसका मैंने तड़का लगा दिया। अब इसमें जो बेसन और दही का घोल था, उसी पैन में मैंने पानी लेके और ऐड कर दिया थोड़ा पानी। ऐसे में बहुत ही गड्ढी हो जाएगी और इसमें लम्स बनने का भी हो जाएगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है। अब इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये खौलने नहीं लगेगा, वरना इससे दही फट जाता है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू चला रखा है। अब इसमें उबाल आ गई है तो इसको अच्छे से खौलने देंगे। उसके बाद इस पर हम, जब खौलने लगेगा अच्छे से, उसके बाद इसमें हम जो पकौड़ियाँ हैं उनको अच्छे से दबा कर इसमें डालेंगे। इससे वो अच्छे से स्पॉन्ज होके अंदर तक इसमें रस चला जाए। तो अच्छे से इनको हमने पुश किया, दबाया, उसके बाद मैंने डाला है। तो बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं इससे। तो बस इसको अब अच्छे से हम पकने देंगे। तब तक पकेंगे जब तक इसमें ये बबल्स टाइप ना उठने लगे, तब तक कढ़ी पकानी है। तो ऑलमोस्ट मेरी कढ़ी अब पक चुकी है, थोड़ा सा और है बाकी। इसमें अब ये बबल से उठने लगे हैं, ये देखिए, आप भी देख सकते हो। सो कढ़ी है यहाँ पे रेडी, मेरी कढ़ी और चावल। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ी। सो प्लीज़, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।